बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी सवात जो कि खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, लेकिन आज वो सैलाब की ज़द में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से दरे सवात में आपको हर वेव के साथ किसी न किसी घर की कोई न कोई एंट या किसी न किसी तरह का मटेरियल नज़र आ रहा होगा। इस दरे सवात जो कि आप देख रहे हैं नीचे, इसने अब तक हज़ारों घर और होटल्स उजाड़ दिए हैं जो कि सवात की वादी में एक खूबसूरती का नज़ारा पेश करते थे। ये जो आपको एक वेव के अंदर हज़ारों जानों की कीमती कीमती चीज़ें लेके आए हुए हैं, ये आज सवात नहीं बल्कि सारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी आवाम हैं उनके दिलों में खौफ और हरास का एक शिकार है, क्योंकि वो सवात आना चाहते थे। सारे प्लेन्स उनकी तबाह हो बर्बाद कर डाले हैं इस दरिया सवात ने। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि इस पुल यानी जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इससे गुरेज करें, क्योंकि इसके नीचे वाला सीन मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा दिल दिलाने वाले होगी। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये अपने घरों को जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी पानी आ चुके हैं वो इम्पॉसिबल बात है कि वो अपने घरों तक सही सलामत पहुंच सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अमला है, हुकूमती अमला, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जो भी गाड़ी यहाँ आते हैं उनको हम और ये जितने भी लोग हैं वो सेफ अपने मुकाम तक पहुंचने में मदद करें। ये है दरिया का निचली सतह जो कि लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे उसके ब्रिज के जो स्टैंड खड़े हुए हैं उनको अगर इसी तरह कोई ना कोई चीज़ इसके साथ टकरा जाती है तो ये काफ़ी हद तक है कि ये गिर जाए। ये जो सामने आप नज़र आ रहे हैं ये किसी के घर भी हो सकते हैं, ये सामने भी घर है, पानी के अंदर बिल्कुल बह चुके हैं। ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हैं ये भी अभी ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है अब मौसम बहुत तब्दील हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अगले भी मौसम ठीक रहेगा। शुक्रिया।